मैं आज एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसको बनाने के बाद ना मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो ये स्पेशल रेसिपी का नाम है रागी चॉकलेट मक केक। नो मैदा, नो शुगर, नो ऑयल, ये है बहुत ही हेल्दी रागी चॉकलेट मक केक जो कि 2 मिनट में रेडी हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। एक मग लेना है माइक्रोवेव सेफ वाला और उसमें डालना है 5 टेबलस्पून रागी का आटा। कोई भी केक ब्राउनी के लिए ना हमें मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट लेनी होती है, तो इसलिए मैं टेबलस्पून बोल रही हूँ, तो टेबलस्पून ही लीजिएगा। अब मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर है ये, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी चीजें मैं यहाँ पे ले रही हूँ ना, मैंने उन सबको अच्छे से छन्नी में छान लिया था, सीव कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ मिल्क, ये बॉयल मिल्क है, उसको ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पे ऐड करना है। 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बटर नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि एक बैलेंस्ड मिक्सचर जो है हमारा बैटर है वो रेडी हो जाए। ऊपर से एक्स्ट्रा रिमूव करके अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे 2 मिनट्स के लिए नॉर्मल मोड पे। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई चीट डे नहीं चाहिए, जब मर्जी आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है हमारा रागी चॉकलेट मक केक। तो इस चॉकलेट केक को पूरा कवर करते हैं मेल्टेड चॉकलेट से जो कि मैंने घर पे मेल्ट करी है। ये कंपाउंड चॉकलेट है। इसे कैसे मेल्ट करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए मैं अपनी एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली है, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये टेस्टी डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी जिसको आप कभी भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई चीट डे नहीं चाहिए। तो मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।